Good morning everyone. Continuing with our next lecture. Last lecture में हमने complete किया था insider trading का meaning क्या होता है. Next जो हमारा topic है that is objectives of insider trading. जैसे कि हमने insider trading के meaning में बात किया था कि insider trading में जो person है वो benefit लेता है. जो भी unpublished price sensitive information है उससे वो benefit होता लेता है जो कि अनएथिकल है. अब ये जो बेनिफिट है वो कंपनी को भी हो सकता है. बेनिफिट कंपनी को हो सकता है अगर वो अनएथिकल परचेज और सेल करती है कंपनी के शेयर्स. किस तरीके से? जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको अपने पास विदहोल्ड करके. इसका बेनिफिट इंडिविजुअल भी लेता है और जो उसने शेयर्स ओन किए हुए हैं उनको बाय और सेल करके. अनएथिकल ये प्रैक्टिस होती है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कैटेगरीज ऑफ इंसाइडर्स. ब्रॉडली जो इंसाइडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी इंसाइडर्स. प्राइमरी इंसाइडर्स में जो कंपनी में इमीडिएट जो कंपनी के अटैचमेंट में होते हैं वो आते हैं. जैसे डायरेक्टर्स हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, रजिस्ट्रार्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव, ऑडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा. सेकेंडरी इंसाइडर्स में डीलर्स, एजेंट्स और अदर एम्प्लॉयज़ आते हैं. और अदर इंसाइडर्स में वो पर्सनस आते हैं जिनके पास एक्सेस है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का क्योंकि वो कंपनी के प्रॉक्सिमिटी में है. तो ये थी कैटेगरीज ऑफ इनसाइडर. जो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमने करना है दैट इज़ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेकेंडरी मार्केट की ग्रोथ में इंडिया में? सबसे पहला हमारा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स और एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो गवर्नमेंट है उसने वेरियस डेवलपमेंट बैंक्स और इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए हैं. जैसे IFCI हो गया, IDBI, IRCI, SFC, SIDCs, LIC एंड UTI. इनका मेन फंक्शन क्या है? ये कैसे कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? जो भी कंपनी पैसा लेने आ रही है मार्केट में, ये उसके शेयर्स में उनके शेयर्स को ख़रीदते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें लोन फाइनेंस करते हैं, एडवांस करते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने में. नेक्स्ट इज़ योर लेजिस्लेटिव मेजर्स. जो गवर्नमेंट है उसने वेरियस जो एक्ट्स हैं वो इनैक्ट किए हैं, उसमें सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए. और जो प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर की उसके लिए जो वेरियस मेजर्स लिए गए हैं उससे हेल्दी ग्रोथ होती है कैपिटल मार्केट की. देन नेक्स्ट इज़ ग्रोथ ऑफ अंडरराइटिंग बिजनेस. जो अंडरराइटिंग बिजनेस है इंडिया में ग्रो कर रहा है रैपिडली, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक्स नॉर्मली इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं. जो अंडरराइटिंग है वो गारंटी प्रोवाइड करवाता है एंटरप्राइजेस को कि उनके जो शेयर्स हैं वो सब्सक्राइब हो जाएंगे. तो इससे जो न्यू इशू मार्केट है इंडिया में वो इंक्रीज़ करती है. और जब न्यू इशू मार्केट इंक्रीज़ करेगी तो सेकेंडरी मार्केट बट ऑब्वियसली अपने आप इंक्रीज़ होगी. नेक्स्ट इज़ योर सेटिंग अप ऑफ सेबी. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था 1988 में, लेकिन उसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी 1992 में. और ये बोर्ड तो बनाया ही इसीलिए गया था कि जो भी आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है उनकी ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा सके. नेक्स्ट इज़ योर ग्रोइंग पब्लिक कॉन्फिडेंस. जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने 1990s में लिए जिसमें LPGs आ जाते हैं, और उससे भी इम्पेटस मिलता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट में अपना जो शेयर है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ योर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़. जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ है, एट प्रेजेंट 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं. जैसे क्रसल हो गया जो सेटअप हुई थी 1988 में, आइक्रा हो गया सेटअप हुई थी 1991 में, केयर 1993 में, और फिच रेटिंग एजेंसीज़. इन एजेंसीज़ का मेन पर्पस क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड करें ये डिटरमाइन करने में कि किस कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है और किस कंपनी में पैसा लगाना सेफ है. देन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. लास्ट फ्यू ईयर्स में इंक्रीजिंग
अवेयरनेस का ट्रेंड रहा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग जर्नल पब्लिक में, चाहे वो बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो, जर्नल्स जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, बिज़नेस वर्ल्ड, बिज़नेस टुडे, फॉर्चून इंडिया और ऐसे बहुत सारे, जिसने जो इन नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उन्हें न्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेजर प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स क्या हैं सेकेंडरी मार्केट के। सबसे पहला आता है वीक मैनेजमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। जो मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंजेस की वो वीक है, उसमें डेफिशिएंसी है। उसका मेन रीज़न क्या है कि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्हें गवर्न मेंबर ब्रोकर्स करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए, तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो रेगुलेटरी फंक्शंस अपने परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वो गवर्निंग बॉडी को रिस्पॉन्सिबल होता है। द नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंटीग्रेशन। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं थ्रू आउट द कंट्री, लेकिन उनमें लैक ऑफ इंटीग्रेशन है। एक स्टॉक एक्सचेंज दूसरे स्टॉक एक्सचेंज से जो उसका इंटीग्रेशन है वो नहीं है। द नेक्स्ट इज़ आर्बिट्री क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड एंड नॉन स्पेसिफाइड शेयर्स। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस चलती है कि जो शेयर्स हैं उन्हें जैसे डिफरेंट ग्रुप्स में आप डिवाइड करते हो कि ये स्पेसिफाइड है ये अनस्पेसिफाइड ग्रुप्स है, उसके लिए जो बेसिस है कि किस बेसिस पे आप उन्हें स्पेसिफाइड शेयर्स कह रहे हो या किस बेसिस पे आप उन्हें अनस्पेसिफाइड बेसिस कह रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज़ योर इग्नोरिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो जो जेन्युइन इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का उसको इग्नोर करती है। जो कंप्लेंट है इन्वेस्टर्स की उन्हें अटेंड टाइमली नहीं किया जाता है, उनके बारे में कुछ ज़्यादा केयर नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज़ डोमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंडियन कैपिटल मार्केट को डोमिनेट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्योंकि वो बड़ी अमाउंट में जो कंपनीज़ के शेयर्स हैं वो खरीदते हैं, और अगर बड़ी अमाउंट में किसी के पास शेयर्स है तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर उस कंपनी के प्राइजेस, शेयर्स के जो प्राइजेस है उसको कंट्रोल कर सकता है, या तो बल्क में सेल करके या बल्क में परचेज करके। देन नेक्स्ट इज़ योर पुअर क्वालिटी इन पुअर लिक्विडिटी। जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस है वहाँ पे पुअर लिक्विडिटी भी एक प्रॉब्लम है। स्मॉल नंबर्स ऑफ स्टॉक्स जो हैं उन्हीं को आप रोज डेली ट्रेड करते रहते हो, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग में एक्चुअली जो मेजर पार्ट होता है वो तो किसके पास चला गया, आपकी जो कंपनीज हैं बिग कंपनीज हैं उनके पास, जो स्मॉल पार्ट है वो रह गया आपके स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास, तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हो पाता है जिसकी वजह से पुअर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। देन नेक्स्ट इज़ लेस फ्लोटिंग स्टॉक। जो फ्लोटिंग स्टॉक है इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में वो भी दूसरा मेजर रीज़न है। फ्लोटिंग स्टॉक्स का मतलब है कि कितनी कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरीके से अवेलेबल, कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स सेल के लिए अवेलेबल हैं टोटल स्टॉक में से। जैसे सपोज कंपनी ने 100 शेयर्स निकाले तो 100 में से अगर 80% किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ले लिए तो वो आगे ऑफर नहीं करते हैं मार्केट में, और जिसकी वजह से जो स्टॉक है उसकी जो शॉर्टेज है मार्केट में हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। तो जो रिफॉर्म्स कैपिटल मार्केट में हुए वो कौन कौन से हुए हैं। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को इनैक्ट किया गया था जुलाई 1996 में। सभी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशन 1996 में नोटिफाई हुए थे। स्टॉक एक्सचेंजेस को कहा गया था कि मॉडिफाई करें अपना लिस्टिंग एग्रीमेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करवाएं इन्वेस्टर्स को 30th डे जो भी क्लोजर ऑफ पब्लिक इशू है उससे पहले। देन जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है पब्लिक इशू में उसे यूनिफॉर्म किया गया, 20% किया गया चाहे इशू साइज कितना भी बड़ा हो। सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट्स को अलाउ है कि वो एक्ट कर सकते हैं एज मर्चेंट बैंकर। कंपनीज़ को अलाउ किया गया कि वो बायबैक कर सकती हैं शेयर। रोलिंग सेटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डीमैट शेयर्स वो स्टार्ट हुई। ट्रेडिंग स्पेसिफाइड शेयर्स की डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में शुरू हुई। सेबी का एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर रेगुलेशन 1997 इशू हुआ। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग शुरू हुई जून 2000 में। कंपलसरी ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स सभी कंपनीज़ के जो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के डीमैट फॉर्म में शुरू हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 2 जनवरी 2002। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को एक्सटेंड किया गया टू ट्रेडिंग इन इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन एंड स्टॉक फ्यूचर्स में। देन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को एस्टैब्लिश किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2001। जो भी स्क्रिप्ट थे
स्क्रिप्ट्स को हम शेयर्स या सिक्योरिटीज़ के कहते हैं। तो जो भी आपके स्क्रिप्ट्स थे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में BSE 200 लिस्ट को, उन्हें रोलिंग सेटलमेंट के अंडर लाया गया विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2001। रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई शॉर्ट सेलिंग के ऊपर जो लगाई गई थी, उसे विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2001। स्टॉक एक्सचेंजेस को अलाउ किया गया कि वो सेटलमेंट गारंटी फंड को यूज़ कर सकते हैं जो भी शॉर्टफॉल उनका हो रहा है नॉन फुलफिलमेंट या पार्शल फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय मेंबर्स की वजह से। तो ये थे जो रिफॉर्म्स कैपिटल मार्केट में हुए हैं, और इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो मेन क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता है लिस्टिंग का, एक क्वेश्चन बनता है आपका स्टॉक एक्सचेंज का। तो व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाट इज़ लिस्टिंग ऑफ जो व्हाट इज़ मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका 4 मार्क्स में आ सकता है। और अगर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन 15 मार्क्स की बात करें तो व्हाट इज़ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग कंपनीज, आर देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन लिस्टिंग। और इसके साथ साथ एक जो प्रोसीजर है, एक्सप्लेन दी लिस्टिंग प्रोसीजर इन डिटेल, ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट, एक्सप्लेन दी फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन दी ग्रोथ ऑफ दिस मार्केट, ऑल्सो एक्सप्लेन दी मेजर प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दैट इज एक्सप्लेन दी मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लिस्टिंग। तो अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो इस चैप्टर में से आपको 2 to 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस का, जैसे सेकेंडरी मार्केट को हमने कहा कहते हैं, उसका मीनिंग हो गया, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके फंक्शंस हो गए, देन आपका स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग का प्रोसीजर हो गया, और जो आपके टाइप्स ऑफ स्पेक्यूलेटर्स आपने इस चैप्टर में किए वो 4 मार्क्स में आ सकता है आपका, देन लिस्टिंग प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो लिस्टिंग की इवेलुएशन भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनते हैं। देन कॉर्पोरेटाइजेशन और जो डीम्यूचुअलाइजेशन का है वो 4 मार्क्स में क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है, और फुल फ्लेज एक क्वेश्चन जो बनता है दैट इज़ वही कि सेकेंडरी मार्केट क्या है और कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं दी ग्रोथ ऑफ दिस मार्केट, और मेजर प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स क्या हैं सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया में। इसके साथ जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच।